आगे बढ़ते देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी विभाजन पर टिप्पणी की और विधायी बहुमत के आधार पर मान्यता को मतदाताओं का मजाक बताया। चुनाव आयोग के फैसले को बताया कि 10वीं अनुसूची से बाहर और आयोग ने दल बदलों का चुनाव चिन्ह पर दावा मंजूर फिलहाल किया है। दैनिक भास्कर में इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि आज चुनाव से पहले हमने देखा है कि कई बार जिन नेताओं को टिकट की आस होती है और उनको टिकट नहीं मिलता तो दल बदलते हैं, और इसी तरह की मिलती जुलती हेडलाइन हिंदुस्तान अखबार में, जैसे कि भाजपा आप और कांग्रेस से कई नेताओं ने पाला बदला, कोई उम्मीदवार से नाराज तो किसी को भविष्य की चिंता, गठबंधन से समीकरण बदले तो दल बदलू भी लगातार बढ़े। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एटीएस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस के केस में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। दंगा भड़काकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले का प्लान उनके द्वारा किया गया था। पीएफआई ने भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ में बड़ी यहां पर साजिश की थी। तो यूपी एटीएस की जांच में ये बड़ा खुलासा हाथरस केस से संबंधित रहा। बिल्कुल, तो यूपी एटीएस के जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, दंगा भड़काकर बीजेपी नेताओं पर हमले का ये पूरा प्लान था, ये यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है। पीएफआई ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी, ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस केस में दंगा भड़काकर बीजेपी नेताओं पर हमले का प्लान था।